everyone, welcome back to my channel Life Simplified by Sanika. तो हम ये देख रहे हैं एडॉप्शन की सीरीज। पिछले पार्ट में हमने देख लिया है बेबी का रेफरल आने के बाद क्या क्या तैयारियां करनी होती है। ओके तो इस पार्ट में हम देखेंगे आप जब बेबी को एक्चुअल वहां पे जाएंगे रिसीव करने के लिए तो क्या क्या प्रोसेस होती है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस यू रीच इन दैट एजेंसी, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको आगे की जो प्रोसीजर होती है वो अच्छे से समझाते हैं। बेबी के बारे में कुछ अगर आपको जानना है तो वो आपको बताते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते ही हैं, छोटा इंटरव्यू होता है। ये क्यों करते हैं सब? आपको काम डाउन कराने के लिए, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है ना और बहुत नर्वसनेस भी होती है। ऐसे इमोशंस, मतलब कैसे बोलूँ, मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। इमोशंस का बहुत एक सैलाब आया होता है, तो वो लोग आपको काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं। ओके उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप होती है बेबी से मीटिंग। आपकी लाइफ का मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अवेटेड मोमेंट होता है ये। अगर पॉसिबल हुआ तो ये मोमेंट कैमरा में कैप्चर करने की जरूर कोशिश कीजिए। एवरीथिंग आई हैव एंड एवरीथिंग आई एम इज योर्स forever. तो बेबी से मीटिंग कराते हैं, प्रॉपर कराते हैं, आपको अपना टाइम लेने देते हैं। ऐसे कुछ जल्दी नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होता, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ नहीं होता। आपको अपना टाइम लेने देते हैं, सब आपके हिसाब से ही होता है अब वहां पे सब कुछ। ओके फिर उसके बाद लॉयर आते हैं, लॉयर से आपकी बातचीत होती है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर साइनिंग एंड ऑल सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर होता है पिटीशन फाइल होती है। ओके तो वहां की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपको देंगे प्री फॉस्टर केयर अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट। ओके तो ये डॉक्यूमेंट आप एज अ बेबी आईडी भी यूज कर सकते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। जब तक आपको बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप इस डॉक्यूमेंट को एज अ बेबी का आईडी भी यूज कर सकते हो। अगर इन रिटर्न जर्नी में आपको बाय प्लेन या बाय ट्रेन जाने की जरूरत होगी तो आपको कहीं पे अगर दिखाना पड़ा बेबी का आईडी तो आप ये डॉक्यूमेंट आराम से दिखा सकते हो। ओके इसके बाद वहां की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है, अभी आपको बेबी को घर पे लेके जाना है, उसका मस्त अच्छे से वेलकम फंक्शन कीजिए। ओके तो ये सब हो गया एजेंसी में जाने के बाद की जो प्रोसीजर है। सुनने में इतना छोटा सा लगता है और इस प्रोसीजर के लिए इतने सालों का इंतजार होता है ना। देखा जाए तो एडॉप्शन की प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुई है, देखा जाए तो हाफ कंप्लीट हुई है। इसके बाद क्या होता है, पिटीशन फाइल होने के बाद 3 मंथ्स के गैप से क्या होता है, आपको कोर्ट की तरफ से डेट मिलती है बर्थ सर्टिफिकेट की प्रोसीजर के लिए। ये डेट आपको कौन बोलेंगे, वहां के जो लॉयर होते हैं वो आपको उनके टच में रहना पड़ेगा, वो आपको ये डेट बोल देते हैं। ओके तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की प्रोसीजर के लिए वापस जहां से बेबी का रेफरल आया था उसी एजेंसी के डिस्ट्रिक्ट, उस एजेंसी का जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना होगा, है ना। तो वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट की प्रोसीजर के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल जो भी रहता है वो सर लॉयर देख लेते हैं। ओके अगर किसी के मन में यहाँ पे कुछ सवाल आ रहा है कि लॉयर की फीस एंड ऑल वो क्या होती है, लॉयर कैसे आ गया बीच में, तो वो आप फीस वाले सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे एडॉप्शन का जो भी जितना भी है फीस का सेक्शन वो सारा ब्रीफली समझाया है, और लेकिन फिर भी आपको बोल देती हूँ लॉयर की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। ओके ये सब इंक्लूडिंग ही आ जाता है। ओके तो डॉक्यूमेंटेशन सब लॉयर देख लेते हैं, आपको बेबी के साथ जज के सामने बुलाते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, और जज आपसे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस करना पसंद करते हैं।
क्यों करते हैं ये सब कुछ, जेन्युइन पेरेंट्स हो या नहीं हो, ये सब कुछ टैली करने के लिए उनकी तरफ से। आपने अभी तक इतनी ये प्रोसीजर अगर ध्यान से सुनी होगी, ध्यान से अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, तो आपको ये पक्का पता चल गया है कि एडॉप्शन की जो भी प्रोसीजर है ना, वो सब बेबी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के हैं, कि बेबी को हम जिनके हैंड में दे रहे हैं, क्या वो कपल वैलिड कपल हैं, मतलब बेबी क्या उनके साथ सेफ रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा होता ही है क्वेश्चनिंग एंड ऑल, ओके। तो जज कुछ हार्श क्वेश्चंस नहीं करते, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अगर आपकी तरफ से कुछ आंसर्स ऐसे गए तो शायद क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, सो बी पर्टिकुलर अबाउट योर आंसर्स, ओके। तो ये बहुत ही नॉमिनल प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर के बाद आपको लॉयर से डिस्कस करके ये कंफर्म कराना है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप बाय हैंड कलेक्ट करेंगे या बाय पोस्ट आपको चाहिए। तो ये तब के तभी आप अगर कंफर्म करा लो तो आप ही के लिए अच्छा है, ओके। तो यहाँ तक फाइनली एडॉप्शन की सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है नेक्स्ट, पोस्ट एडॉप्शन प्रोसीजर होती है। तो उसके लिए क्या होता है, इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ट्रिकी नहीं होता। तो पोस्ट एडॉप्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपका HSR जिस एजेंसी से हुआ है उसी एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आपके घर पे बेबी का फॉलोअप लेने के लिए, ओके। तो उसमें वो क्या करेंगे, सिर्फ वो चेकिंग करेंगे कि क्या बेबी आपके साथ कंफर्टेबल है, क्या आप बेबी के साथ कंफर्टेबल हो, क्या बेबी सेफ है, बेबी के डे बाय डे डेवलपमेंट क्या है, वो सब वर्बली आपको पूछेंगे। और इसके अलावा और कुछ नहीं होता, मेडिकल कुछ इश्यूज हैं या नहीं है वो सब वो चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉलोअप कब कब होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 2 साल तक ये फॉलोअप होता है, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स गैप, ओके। तो जब वो लोग घर पे आएंगे तब वो बेसिकली क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे फोटोग्राफ्स लेते हैं। फोटोग्राफ्स में बेबी की सेपरेट फोटो, आपकी आपके साथ बेबी की फोटो और उसकी साइजेस और उसकी क्वांटिटी आपको उन्हीं से कंफर्म करानी होगी, क्योंकि एजेंसी टू एजेंसी रूल्स अलग होते हैं इसलिए, ओके। तो फाइनली इस पार्ट में एडॉप्शन की सीरीज दी एंड हो चुकी है। अभी इसके बाद आएगा एक फीस वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक, और एक क्या आएगा, बहुत सारे पेरेंट्स ने ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनको तब भी आंसर्स कर दिया, लेकिन मुझे एक बात क्या ध्यान में आई कि डर बहुत है लोगों के दिल में एडॉप्शन की प्रोसेस को लेके। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स और होंगे जिन्होंने मेल नहीं किया है, लेकिन उनके भी सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसके बाद और एक वीडियो आएगा कि इस एडॉप्शन प्रोसेस इज सेफ, एडॉप्शन प्रोसेस को लेके मिथ्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, ओके। ये मैं कहाँ से लेने वाली हूँ, ये वही क्वेश्चंस है जो मुझे ईमेल पे आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दूंगी, लेकिन मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं जस्ट एक समरी में बात करने की कोशिश करूंगी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, जिन पेरेंट्स को एडॉप्शन की प्रोसेस के बारे में पता नहीं है उनको ये मेरे वीडियोस देखने के बाद अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो गई तो ये मुझे बहुत खुशी की बात होगी, ओके। और इसके बाद भी आपके कभी भी अगर एडॉप्शन की प्रोसेस को लेके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहेगा ही, आप बेझिझक मेल आईडी पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं पूछते लोग, क्योंकि लोगों को ओपन नहीं होना है, लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्लोज रखनी है, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका ढिंडोरा पीटने की तो कोई जरूरत है ही नहीं है, या हमने अडॉप्ट किया है इसका भी ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कम्प्लीटली उन्हीं पेरेंट्स का डिसीजन होना चाहिए कि उनको ये डिस्क्लोज करना है या उनको ये क्लोज रखना है, ओके। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप हमें बताइए आपने अडॉप्ट किया है क्या, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, हर पेरेंट्स, हर एक पर्सन अपने अपने तरीके से इस टॉपिक को हैंडल करने की कोशिश करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उनको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए अगर हो सका तो, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, अभी एडॉप्शन की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे
और वीडियोस रेडी है मेरे जो आपके काम आएंगे, तो वो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी आफ्टर 2 या 3 वीक्स, ओके, क्योंकि तब तक ये एडॉप्शन का पूरा सब फिनिश हो जाएगा, ओके, तो स्टे ट्यून। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा ये लोगों को मोटिवेट करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।